BJP National President Amit Shah today slammed ruling Samajwadi Party in Uttar Pradesh, saying that how can a party that cannot handle its own internal issues handle a state like Uttar Pradesh? He also expressed concern about the deteriorating situation of law and order. He was speaking at a function in Kanpur. यहाँ की जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार वो परिस्थिति को निपट नहीं सकती। जो अपने घर के ही कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभाल नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को क्या संभाले? घर के झगड़े निपटते नहीं, पर उत्तर प्रदेश को शांति देने के लिए अखिलेश जी दावा कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है भैया अखिलेश, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, पहले अपना कुनबा ठीक कर दो तो भी उत्तर प्रदेश में कुछ शांति हो जाए। He also spoke about BJP's contribution in preserving the legacy of Baba Saheb Ambedkar. संसद में बाबा साहब के तैलचित्र को भी बहन मायावती या कांग्रेस ने नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। भारत रत्न देने का काम भी कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ। डाक टिकट भी भाजपा ने जारी किया, उनकी स्मृति में सिक्का भी भाजपा ने जारी किया और आज उनकी स्मृति में नरेंद्र भाई ने एक संसद का सत्र बुलाकर एक बहुत अच्छी शुरुआत की है।